डिजिटल लेन देन की बात करेंगे। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए उपायों के मद्देनजर संसदीय समिति साइबर सुरक्षा की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल करेगी। इसके अलावा समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय, RBI और नीति आयोग के अधिकारियों को भी सवालों का जवाब देने का बुलाया है। खबर है कि वित्त मामलों संबंधी संसद की स्थायी समिति ने 13 जुलाई को गृह मंत्रालय और नीति आयोग के अधिकारियों को बुलाया और डिजिटल लेन देन और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली यह समिति साइबर सुरक्षा के मौजूदा ढांचे और इसके सशक्त बनाने की दिशा में गृह मंत्रालय की ओर से किए जा रहे उपायों के बारे में मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल करेगी। इसी तरह नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन कितना बढ़ा और लोगों को इसे स्वीकारने में किस तरह की दिक्कतें आईं, इन मुद्दों पर नीति आयोग के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि इससे एक दिन पहले 12 जुलाई को संसदीय समिति की बैठक में RBI के अधिकारी नोटबंदी के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र की चुनौती और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी समिति की बैठक में शामिल हो सकते हैं।